हाँ नमस्कार, मैं बाबा अनिल। दिन है जब यहाँ पर उत्तर भारत में भगवान शंकर की आज विशेष पूजा होती है। उनके क्या कहते हैं मंदिरों को खूब सजाया जाता है। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं महाकाल भैरव का अनुष्ठान आपको बता रहा हूँ। आप सबसे पहले क्या कीजिएगा कि एक आप जो हैं कमरे को स्वच्छ कर लीजिएगा। उस पर लकड़ी की चौकी वहाँ पर रख के उसको जो है उसके बाद काले रंग का आसन बिछा कर महाकाल भैरव की मूर्ति को स्थापित कर दीजिएगा। लकड़ी की चौकी के समक्ष आप नीला या काला आसन लीजिएगा। अपने आप नहा धो के काले वस्त्र पहन के आप में क्या रखना है कि सरसों के तेल का दीपक चाहिए आपको, काला तिल चाहिए और उसके बाद गुड़ चाहिए थोड़ा सा प्रसाद रूप में भगवान को देने के लिए, धूप बत्ती चाहिए और यदि खुशबूदार फूल मिल जाए, लाल रंग के फूल हों या चमेली का फूल हो तो बेहतर रहेगा। इनको करके पंचोपचार से पूजन करके आपको जाप करना है। जाप के बाद भगवान को भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद आप जो हैं हवन करेंगे। हवन करने के बाद आरती करेंगे। मंत्र मैं बोल दे रहा हूँ। मंत्र है ओम भ्रांग 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 क्रिंग भ्रांग 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 फट। ओम भ्रांग 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 क्रिंग भ्रांग 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 फट। ये मंत्र है महाकाल भैरव का। इसको आप जो हैं 11 दिन तक 11 माला रोज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने आसन पर बैठ जाएंगे, अपने को शुद्ध कर लेंगे। उसके बाद आप जो हैं भगवान को पंचोपचार से पूजन करके उनको गुड़ का भोग लगाएंगे और उसके बाद मंत्र जाप करेंगे। 11 माला प्रतिदिन के हिसाब से आपको करना है और 11 दिन तक लगातार करना है। उसके बाद आप जब जितने मंत्र हों उसका 10वां हिस्सा हवन करिएगा, आहुति दीजिएगा। आहुति में जितने मंत्रों का आहुति देंगे उसके बाद 10वां हिस्सा आप जो हैं 10वां हिस्सा आप जो हैं मंत्रों का आहुति देने के बाद 10वां हिस्सा आप जो है हवन मार्जन करिएगा। मार्जन में जितने मंत्रों का आपने मार्जन किया है उसका 10वां हिस्सा आप तर्पण करिएगा। उसके बाद भगवान को आरती कीजिएगा। आरती के बाद बालक बालिकाओं को खाना खिलाकर, किसी बूढ़े ब्राह्मण को या किसी दरिद्र पुरुष को खाना खिलाकर आप जो हैं अपने को पूजा वो करिएगा। और काला तिल सामने रखना होता है, भगवान के सामने काला तिल रखना होता है, उसके ऊपर कपूर और लौंग रखना होता है और जो है पुष्प चढ़ाने होते हैं। और इस तरह से पूजन के बाद समझ जितनी भी सामग्री है उसको नदी में विसर्जन कर दीजिएगा और भगवान से आशीर्वाद। यदि भगवान 11 दिन के अंदर आपके पास प्रत्यक्ष आ जाते हैं तो आप जो हैं उनके हाथ में दीपक देके बस ये निवेदन करिए कि प्रभु आप सदैव मेरे साथ रहिए, आप जो हैं मेरे जितने भी काम बिगड़ रहे हैं उनको ठीक करिए और मैं जब जब किसी संकट में फंसूँ तो आप सहायता करने के लिए आ गए हैं। ये महाकाल भैरव का मंत्र है। मंत्र मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, आप उसको सुनिए। सुन के 11 दिन तक 11 माला रोज करनी है आपको। ओम भ्रांग 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 क्रिंग भ्रांग 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 फट। ये मंत्र है, इसका आप जो है 11 दिन तक 11 माला रोज करनी है और नहा धोकर काले रंग के वस्त्र पहन के काला या नीले आसन पर बैठ कर उत्तर या पश्चिम की ओर मुँह करके आपको ये करना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसको करिए।